हेलो स्टूडेंट्स, सुबह आपका पेपर है और आज मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ क्लास टेंथ मैथ का जो एचसी कोड का जो पेपर है इसके दीर्घोत्तरी प्रश्न, मतलब इसका जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो सब। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बहुत सारे सॉल्व करा दिए हैं, अब बारी है दीर्घोत्तरी प्रश्नों की, तो चलो उसको सॉल्व कराते हैं। और ये पेपर आप पढ़ के जाना 100%, आप देखोगे आपको पेपर देखने को जरूर से मिलेगा आप अपने बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो। और हाँ, जितने क्वेश्चन बता रहा हूं अच्छे से देखना, अच्छे से समझना, क्योंकि मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूँ जो जो क्वेश्चन अच्छे से समझाऊंगा भी। चलो यहाँ पर सॉल्व करते हैं एक एक क्वेश्चन करके। देखो इसमें पहले कुछ चीजें देख लो, जो निर्देश वगैरह रहते हैं 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, बाकी ये सब चीजें पढ़ी होगी ऑलरेडी, 3 घंटे 15 मिनट का समय रहता है, पूर्णांक 70 नंबर का। डायरेक्ट बढ़ते हैं हम यहाँ से जो कि सॉल्व करने वाले, जो सॉल्व करने वाले, जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले रहते हैं, यहां से बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, ये देखो कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो खंड बा। खंड बा क्या है? वर्णात्मक प्रश्न है, खंड बा है जो कि वर्णात्मक प्रश्न दिया गया है। अब देखो ये क्या है तो इसको समझते हैं। अब ये जितने हैं ये क्वेश्चन सारे दो दो नंबर के, मतलब 5, 6, मतलब 12 नंबर के क्वेश्चन हैं, क्योंकि यहाँ पे इतने क्वेश्चन हैं तो 12 नंबर के हैं। चलो सबसे पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता हूँ, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसे ही करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। सभी क्वेश्चन जो है एकदम दिमाग में आपके बैठ जाएंगे, तब आप नहीं कहोगे भैया ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता। और जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन इसका जो दिया गया है कि सिद्ध कीजिए, क्या है? सिद्ध कीजिए कि 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या, 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलो इसको हम सिद्ध करते हैं, इसके लिए हम पेज लेते हैं और इस पेज पर भैया पूरा सॉल्व करते हैं अच्छे से, आपको पूरा मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये देखो आ गया हमारा पेज और इस पर कर देते हैं सॉल्विंग, काली पेन ले लेते हैं, ब्लैक पेन ये रही, ये देखो मिल गई ब्लैक पेन भी, और अब इसको सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन। तो चलो यहाँ पर डालते हैं आंसर नंबर 1 का, फर्स्ट का कौन सा है कर रहे हैं, का वाला कर रहे हैं, तो ऐसे डाल दो का, ठीक फर्स्ट का वाला किया जा रहा है तो इसको हम कर देते हैं फर्स्ट का कर रहे हैं। तो चलो इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब इस पर क्या लिखना है कि सिद्ध करना है कि √5 - √5 एक अपरिमेय संख्या है, 2 - √5 एक अपरिमेय संख्या, यह हमें सिद्ध करना है। तो देखो इसको सिद्ध करना है तो सबसे पहले मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा कि 2 - √5 एक परिमेय संख्या है। तो यहां पर लिखो माना 2 - √5 एक परिमेय संख्या है, 2 - √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, हमने यहां पर मान लिया कि 2 - √5 एक परिमेय संख्या है। अब देखो इसके बाद क्या करना है, इसको थोड़ा पेपर को हम कर देते साइड में, ऐसे सॉल्व कराते हैं तब ज्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। अब क्या करना है कि परिमेय संख्या कैसी रहती है, परिमेय संख्या पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल हम परिमेय संख्या को पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो अब इसको क्या करोगे, जैसे ये दिया गया है तो इसको लिखेंगे पी बटे क्यू के रूप में, तो ऐसे लिखो 2 - √5, इसको लिख सकते हैं पी बटे क्यू के रूप में, इतना हो गया। अब उसके बाद फिर इसको आते हैं करते हैं, अब जैसे यहाँ 2 - √5 दिया गया है तो 2 ऐसे ही रहने देंगे, ये जो पी बटे क्यू, पी बटे क्यू को इस साइड ले आएंगे बराबर के, तो प्लस में है माइनस में हो जाएगा, पी बटे क्यू बनेगा और बराबर ये जैसे -√5 है तो इस साइड इसको ले आएंगे तो ये बनेगा √5। ठीक, ऐसे हो जाएगा। अब इतना होने के बाद इतना चीज समझ में आई, अब क्या करोगे इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, यहां पर बटे एक समझ लो क्योंकि कुछ नहीं है तो, और इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आएगा क्यू, एक से क्यू में 2 क्यू हो जाएगा। ठीक, क्या बचेगा 2 क्यू - q = q और यहां पर पी हो जाएगा बराबर √5। अब ये आ गया, इसको क्या करो एक समीकरण एक मान लो, इसको मान लो या फिर इसको, चलो मान लो इस समीकरण एक मान लेते हैं। ठीक, अब यहां पर देखो ये इतना बराबर है इसके, इतना बराबर है √5 ये, लेकिन आपको ये पता होगा, अब फिर यहां से लिखना है, देखो ये सब चीजें आपको लिखनी पड़ेगी, फिर लिखना समीकरण एक के अनुसार, समीकरण एक ये जो हमने समीकरण माना था, समीकरण एक के अनुसार, इतना लिखना कि समीकरण एक के अनुसार यदि पी बटे क्यू एक परिमेय संख्या है, समीकरण एक के अनुसार यदि, ये सब चीजें ऐसे लिखनी पड़ेंगी, यदि P बटे क्यू एक
परिमेय संख्या है, पी बटे क्यू एक परिमेय संख्या है, तो फिर लिखना है, तो दो माइनस पी बटे क्यू, दो माइनस पी बटे क्यू भी ये वाला, ये जो दिया दो माइनस पी बटे क्यू भी एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय, और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परिमेय संख्या होगी, ठीक ऐसे कर देना है। अब उसके बाद लेकिन, लेकिन क्या फिर अब लिखना है कि अतः हम कह सकते हैं, अगर देखो पी बटे क्यू एक परिमेय संख्या है इतना, तो हम क्या कह सकते हैं कि रूट पांच भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अगर ये परिमेय संख्या है तो रूट पांच भी एक परिमेय संख्या होगी। तो लिखना है कि अतः अब हम कह सकते हैं, अतः अब हम कह सकते हैं कि रूट पांच भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक, परिमेय संख्या होगी, ऐसे कर देना है। अब इसके बाद लेकिन हमें क्या पता है, अब फिर लिखना है यहां पर लेकिन, ये लिखो लेकिन हम जानते हैं, अब कहोगे भाई ये मैथ का क्वेश्चन करा रहे हो या हिंदी करा रहे हो, इतना ज्यादा लिखवा दे रहे हो, तो देखो ये सब लिखना पड़ेगा तब नंबर मिलेगा, अगर आप चाहते हो नंबर लेना तो ऐसे लिखना, लेकिन हम जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि रूट पांच एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि रूट पांच एक अपरिमेय संख्या है, अतः फिर लिखोगे अतः, फिर काली पेन से ऐसे लिख दो कि दो माइनस रूट पांच एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक ऐसे यहां पर लिख देंगे। तो देखो इसी के साथ हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन होता है सॉल्व। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन के बाद आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, जो कि है यदि कॉस ए बराबर रूट तीन बटे दो है तो साइन टू ए का मान ज्ञात करना है। कह रहा है कि कॉस ए बराबर रूट तीन बटे दो है तो साइन टू ए का मान ज्ञात करना है। तो चलो इसको हम मान ज्ञात कर लेते हैं कि कॉस ए बराबर रूट तीन बटे दो, यहीं पे कर ले खावाला भी। कह रहा है कि साइन ए बराबर है रूट तीन बटे दो है, इतना है तो अभी हमें ज्ञात करना है साइन टू ए, साइन टू ए का मान ज्ञात करना है। तो देखो अगर ऐसे सवाल है तो साइन ए बराबर रूट तीन बटे दो है, तो ऐसे करो साइन ए बराबर, यहां पर रूट तीन बटे दो है, तो अब यहां पर ये देखो कि साइन में कितने अंश का मान होता है रूट तीन बटे दो, कितने को होता है 60 अंश का मान होता है। अब आप बताओ कितने अंश का, 60 अंश का मान होता है 30 अंश का मान होता है, आप इसको मुझे बताओ कितने अंश का मान होता है, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसमें सही उत्तर क्या होगा, कैसे करना होगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन ना होते तो बड़े सरल हैं लेकिन आप लोग अच्छे से कर नहीं पाते हो। तो चलो यहां पर मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। यहां पर ये होता है, यहां पर क्या दिया था, यदि कॉस, अच्छा यहां पर ये कॉस था ना, कॉस ए का मान रूट तीन बटे दो, तो ये कॉस लिखो, यहां पर हम साइन क्यों लिखते हैं, ऐसे लिखो कॉस, फिर यहां भी करोगे कॉस ए और बराबर, ये कॉस कितने का मान होता है, कॉस तीस अंश का मान होता है, तो ऐसे करो कॉस तीस अंश भी इसको लिख सकते हो, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, ए बराबर तीस अंश आएगा, ए बराबर तीस अंश आ गया। अब ए का मान ही तो यहां पर रखना है साइन टू ए में, साइन टू ए में ए का मान रख दो, ए का मान है तीस अंश, तो ऐसे करो काली पेन से लिखते हैं साइन टू ए बराबर, ये हो जाएगा साइन टू इंटू ए का मान है तीस अंश, ऐसे तो तीस अंश, और ये बराबर हो जाएगा साइन
30 × 60 साठ अंश, साइन 60 अंश हो जाएगा, और इसका मान होता है √3/2, ठीक ऐसे हो जाएगा √3/2, तो ये बिल्कुल ही सही हो जाएगा, इस तरीके से करना है। आ गया हमारे पास जो साइन 2a का मान निकालना था, तो यही आएगा √3/2 ही आएगा, ये वाला खत्म। अब इसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन आता है, जो कि है दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करना है। चलो ये इस टाइप के भी क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो कह रहा है कि दो संख्याओं का जो अंतर है, मतलब दो संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब हुआ कि माइनस करने पर वो 26 है, और एक संख्या क्या है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी चलो सॉल्व कर लेते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आइए देखते हैं ठीक ये कैसे होगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जो लिखना पड़ेगा ये देखो कि इसमें अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको करना है तो इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा। पेज ये वाला ले, यही वाला ले, फिर चलो दूसरा पेज हम ले लेते हैं। ये देखिए दूसरा पेज आ गया हमारे पास, और इसमें ये वाला हम करते हैं ठीक। ये कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा नंबर है, यहाँ पर डालो तीसरा नंबर, तीसरा मतलब का खा गा, गवाल डालते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, और हमें संख्याएं ही याद करनी है, मतलब हमें संख्याएं पता नहीं है। जब अगर संख्याएं नहीं पता है तो मानोगे, क्या मानोगे, माना संख्या, या फिर माना एक संख्या x और दूसरी संख्या वाई है। तो ऐसे लिख देते हैं यहां पर कि माना एक संख्या x और दूसरी संख्या वाई है ठीक। माना एक संख्या x है, दूसरी संख्या वाई है, इतना दिलिया ठीक। उसके बाद कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या क्या है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब जो x है वह 3y होगा। जैसे एक संख्या मतलब पहली संख्या, मान लो एक संख्या मतलब पहली संख्या वो 3 गुना है, किसके 3 गुना है, दूसरी संख्या की, दूसरी संख्या की ठीक, ऐसे करना है। तो अब देखो एक संख्या 3 गुना है दूसरी संख्या की, तो एक संख्या को हमने x माना था तो x लिख देते हैं बराबर 3 गुणे, दूसरी संख्या क्या है y, 3 गुणे y, तो ये इतना मिल गया। अब इसको चाहो तो समीकरण एक बना सकते हो, इसको हम चलो समीकरण एक बना लेंगे, ऐसे काली पेन से ऐसे कर दो, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर एक। अब इतना हो गया, अब इसके बाद देखो क्या कहा गया। अब यहां पर आपको यह भी पता लग गया है कि जो x है यह बड़ा है y से, x क्या है y से बड़ा है। तो अब देखो और इसमें प्रश्न में क्या कहा गया था, प्रश्न में कहा गया था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, इनका अंतर क्या है 26 है। अब इनका अंतर 26 है मतलब x माइनस y बराबर 26 है। अब इतना है, अब इसके बाद क्या करो, यहां से मान रख दो जो समीकरण एक से हमें मिला था x का मान, यहां पर लिखो समीकरण एक से x का मान रखने पर ठीक, समीकरण एक से x का मान रखने पर। अब देखो x का मान रखेंगे तो क्या चीज हो जाएगा, इसको देख लेते हैं समीकरण एक से। अब जैसे इतना चीजें हैं, x का मान रखेंगे 3y, तो x क्या पर रख देते हैं 3y, माइनस y है तो रख देंगे y बराबर 26 ठीक। अब इसके बाद देखो 3y में y जाएगा, ये आएगा 2y बराबर 26, और y बराबर 26/2, 2 से आएगा 13, तो y बराबर आ गया 13, ये हमें आंसर मिल गया y का मान आ गया 13। अब देखो y का मान अगर हमें 13 मिल गया है तो इसको अगर हम समीकरण एक में रख दें तो क्या 13 × 39 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे लिखना है कि y का मान समीकरण एक में रखने पर, y का मान समीकरण एक में रखने पर, y का मान समीकरण एक में रखने पर, तो इसको हम समीकरण एक में रख देते हैं, ये आ जाएगा x बराबर 3y है, तो 3 × y का मान है 13, रख देते हैं 13, x बराबर आ गया 33 × 39। तो देखो y का मान आ गया 13,
और एक्स का मान आ गया 39। हमें दो ही मान निकाले थे तो एक्स का मान आया 39, वाई का मान आ गया 13। ठीक, तो यही आपकी संख्याएं हो जाएंगी। ये भी क्वेश्चन हो गया, ऐसे ही करना है, ज्यादा बड़ी बड़ी क्वेश्चन नहीं रहती। फिर आता हमारा घा वाला कि 0 और 100 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 0 और 100 के बीच जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनका योग ज्ञात करना है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं, तो चलो ये क्वेश्चन भी आपको बता देता हूं। इसमें कह रहा है 0 और 100 के बीच ना, तो इसी में करते हैं। घा वाला नंबर है, 0 और 100 के बीच की विषम संख्याएं। तो 0 और 100 के बीच विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी? पहली तो हो जाएगी 1, फिर 3, फिर आती है हमारी 5, फिर है 7, ऐसे ऐसे करते करते 99 तक जाती है। तो अब अगर ऐसी आ गए तो इनके बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। योग ज्ञात करना मतलब क्या ज्ञात करना है? हमें यश पूरा ज्ञात करना है। यश ज्ञात करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? सबसे पहले प्रथम पद चाहिए होता है ए। तो देखो क्या हमें प्रथम पद पता है? प्रथम पद जिसे हम बोलते हैं ए, ए बराबर होगा फर्स्ट वाला ए वन। ठीक, उसका सार्वंतर चाहिए होता है डी। सार्वंतर डी, डी मतलब ए टू माइनस ए वन। ए टू माइनस ए वन मतलब 3-1 बराबर 2, ये हो जाएगा सार्वंतर, आ गया हमारा 2। ठीक, इतना हो गया। अब उसके बाद अंतिम पद, अंतिम पद हमारे पास क्या हो जाएगा? 99 है, तो यहां पर लिख देते हैं हम अंतिम पद क्या है? 99। यहां पर हमने 99 कर दिया। अब देखो इसके बाद क्या करते हैं, इतना हो गया अब सबका। ठीक, उसके बाद देखो समांतर श्रेणी में जो पद की अब संख्या, अब सबसे पहले क्या करोगे? पद की संख्या निकाल लोगे। इतनी चीज अगर आपको पता लग गई तो क्या करना है, यहां पर पदों की संख्या निकाल लेनी है। पदों की संख्या मतलब एन, एन कैसे निकालोगे? एन का जो सूत्र होता है वह होता है एल माइनस ए अपॉन डी प्लस वन। ठीक, तो यल का मान कितना आ गया? यल मतलब जो लास्ट पद है, अंतिम पद, यल से मतलब हुआ लास्ट, लास्ट पद जो अंतिम पद है। तो देखो अंतिम पद क्या है हमारे पास? 99 है, तो ऐसे रख दो 99। ठीक, अब इतना करने के बाद फिर माइनस है डी, डी हमारे पास देखो अभी आया 2, रख दो 2 बटे, नहीं यल माइनस ए है ना, तो ए का मान क्या है? ए का मान है 1, तो 1 रखेंगे बटे डी का मान है 2 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 99 गया 98, 98 बटे 2 प्लस 1, और 98 मतलब क्या हुआ कि 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 नवा 18 प्लस 1 बराबर 50। ठीक, ये आ गया 50, जो हमें यन का मान मिला 50 मिल गया। तो अब इनका योगफल ज्ञात कर लो। देखो मेन चीज रहता है सूत्र का, अगर आपको सूत्र पता है तो आप आराम से कर लोगे। तो देखो यस बराबर हो जाएगा n अपॉन टू एल प्लस ए, ये हो जाएगा सूत्र। तो इसी पे हम इसको रख देंगे, इसी पे रखेंगे तो आएगा n का मान है 50, तो ऐसे रख दो 50 बटे 2 ब्रेकेट लगाओ एल प्लस ए, तो l का मान है 50, रखते हैं 50 प्लस ए का मान है 1, तो रख देते हैं 1, ऐसे हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 5 10, ब्रेकेट में 50 एक 51, तो 51 हो गया। अब इसके बाद देखते हैं यहां से, अब 25 से गुणा कर दें। अच्छा एक चीज, यहां पर यल का मान, यल मतलब होता है अंतिम पद ना, तो यहां पर 99 होना चाहिए, 99 और 99 में एक जोड़ेंगे, 99 में एक जोड़ेंगे 100 आ जाएगा। तो 25 गुणे 100 करेंगे तो आएगा 2500। तो यही हमारा मिल गया जो हमको निकालना था, ये आ गया इसका आंसर 25। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगा वाला, जो कि दिया गया है कि यदि 2x² - 8x + c के बराबर इतना के मूल समान है। अब इसके मूल समान है तो c का हमें मान ज्ञात करना है, c का मान ज्ञात करना। अब देखो अगर मूल समान रहता है तो विविधकर का फॉर्मूला यहाँ पर लगा देते हैं, विविधकर का फॉर्मूला लगाएंगे और विविधकर जो d होगा वह हमारा 0 होगा। तो यहाँ पर चलो इसको हम एक पेज लेते हैं बढ़िया सा, उस पेज में बिल्कुल हल कर देते हैं। और जितने भी क्वेश्चन है ज्यादा इसमें सोचना नहीं भैया, इतना हार्ड तो कोई हार्ड नहीं है। मैं आपको देखो करके दिखा रहा हूँ ना, आपके सामने सारे क्वेश्चन हल कर रहा हूँ एकदम आसानी से। अंगा वाला क्वेश्चन है, वैसे कर देते हैं अंगा। यदि टू, पहले जो समीकरण है इसको यहाँ पर लिख देते हैं, क्या है? 2x² - 8x + c = 0। इसके मूल समान है तो यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा वह लगेगा विविधकर डी बराबर, डी बराबर क्या होता है दोस्तों? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। डी का मान 0 है, 0 रख दो, बी स्क्वायर मतलब -8 का स्क्वायर
माइनस फोर ए सी, फोर इंटू ए का मान है दो और सी का मान ही हमें निकालना है, तो यहाँ पर जीरो है ही, बराबर माइनस एट है स्क्वायर, तो आठ नाई चौंसठ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ फिर माइनस से चिन्ह माइनस लगाओ, चार दूनी आठ और यहाँ पर सी है तो एट सी। फिर उसके बाद देखो आ जाएगा जैसे चौंसठ है उधर माइनस एट सी है, तो इसको उस तरफ लिए जाओ, एट सी प्लस में हो जाएगा बराबर चौंसठ, और सी बराबर चौंसठ बट्टे आठ हो जाएगा, और सी बराबर चौंसठ आठ अट्ठाई चौंसठ आठ बार जाएगा, तो देखो सी बराबर आ गया एट, जो हमें निकालना था एकदम आसानी से हमने यहाँ पर निकाल दिया। अब देखो आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अंगा के बाद नेक्स्ट आता है चा वाला, देखो अंगा के बाद आता है चा वाला। मैं आपको कहा था ना सारे क्वेश्चन कराऊंगा सॉल्व, और सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, पहले मैंने आपको पेपर दे दिए थे और अब सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक। तो देखते हैं ये चा वाला नंबर है, चा वाला क्या है जो कह रहा है, ठीक है, समीकरण एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर तीन, तो x बराबर जीरो के मूल ज्ञात करने हैं। अब इसके मूल ज्ञात करने, तो चलो इसको भी हम देखते हैं। तो देखो अगर इसको हमें सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो फॉर्म में दिया गया है x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर थ्री, इतना दिया गया है, तो इसको क्या करते हैं एक हम द्विघात समीकरण के रूप में रख लेते हैं, ठीक है, मतलब समीकरण के रूप में बनाएंगे। तो देखो कैसे बनाओगे इसका, सबसे पहले यहां पर एलसीएम लोगे, x आएगा एलसीएम, एक से एक्स में करोगे और एक से एक्स में गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स एक बार और एक से एक में गुणा करेंगे एक होगा, और यहाँ पर तीन, तो अब देखो इसका तिरक गुणा कर दोगे, एक्स स्क्वायर है ही तो ऐसे करोगे एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर तीन एक्स से करोगे ये हो जाएगा तीन एक्स, इसको भी इधर ले आओ ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस वन बराबर जीरो के। अब इतना हो गया, अब देखो इसी में हम श्रीधराचार्य का सूत्र लगा देंगे जिसे हम द्विघात सूत्र बोलते हैं, क्योंकि यहां पर पूछा गया था मूल निकालना है, तो ऐसे देखो डायरेक्टली लिखो द्विघात सूत्र, द्विघात द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र यहां पर लगा देंगे, जो कि होता है माइनस बी, क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, इस तरीके से होता है द्विघाती सूत्र, ठीक। अब इसमें हम यही लगा देंगे बी स्क्वायर कह रहा है, बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर देखो बी स्क्वायर तो बी का मान ये है माइनस तीन, तो यहां पर रखेंगे माइनस तीन का, अच्छा बी अकेले माइनस बी है तो यहां पर लगते हैं माइनस बी मतलब माइनस तीन प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर मतलब माइनस तीन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए का मान है एक्स स्क्वायर है मतलब एक, ठीक ए का मान है एक्स स्क्वायर है तो मतलब एक है, तो इसके बाद देखते हैं हम क्या क्या, तो इसको यहां पर कर देते हैं हल। देखो हल कैसे करोगे अपॉन ये देखो फोर ए का मान एक है और सी का मान भी है एक, तो एक है मतलब माइनस एक है, ठीक। और इसके बाद फिर करते हैं टू ए, टू इंटू ए का मान है वन तो वन कर देंगे। अब इसी को कर देना है सॉल्व, सॉल्व करोगे माइनस तीन है ऐसे लिख दो माइनस तीन प्लस माइनस और फिर है रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर मतलब माइनस तीन का स्क्वायर, तीन त्रिका नौ माइनस फोर ए सी, फोर ए सी तो यह हो जाएगा माइनस चार इंटू माइनस एक, तो चार इकन्नम चार और यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और एक बटे दो इकन्नम एक करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखो दो इकन्नम एक कितना होगा, यहाँ पर नीचे देखो दो इकन्नम एक होगा, दो यहां पर दो इकन्नम होगा दो, ठीक दो कर देंगे। और इसको अब करते हैं सॉल्व, देखो इसको सॉल्व करोगे तो कैसे आएगा बराबर, और यहां पर जैसे चार इकन्नम चार होना चाहिए तो यहां पर चार हो जाएगा, चार रहेगा। अब देखो अब सही है बिल्कुल, अब फिर यहां माइनस तीन है तो कर दोगे माइनस तीन प्लस माइनस और रूट नौ चार तेरह बटे दो, इस तरीके से आ जाएगा। तो इसमें कहा गया था मूल निकालने के लिए, मूल निकालना मतलब प्लस और माइनस दोनों होता है, तो ऐसे लिखना कि अतः दो मूल, दो मूल, अब दो मूल क्या क्या आ गए, सबसे पहला मूल आएगा प्लस वाला ले लेते हैं, प्लस वाला चिन्ह लेकर तो माइनस तीन प्लस रूट तेरह बट्टे दो, ये पहला मूल आ जाएगा। अब दूसरा मूल ले लेंगे कौन सा, माइनस वाला, माइनस वाला लेके तो ये आएगा माइनस तीन माइनस रूट तेरह बट्टे
दो, ये हो जाएगा माइनस वाले के। तो देखो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये जो फर्स्ट वाले में जितने पार्ट थे छह, ये मैंने करा दिए हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि सारे पार्ट ऐसे आते जाएंगे छोटे छोटे वीडियोस में, तो अब क्या होगा, अब सेकंड पार्ट अभी कराऊंगा जिसमें ये सारे क्वेश्चंस मैं लेकर आपको बताऊंगा। तो ऐसे करके पूरा क्वेश्चन पेपर एक दो वीडियो में खत्म कर दूंगा। तो आप लोग ऐसे देखते रहो, अच्छे से समझते चलो, छोटे छोटे वीडियोस रहेंगे आधे आधे घंटे की, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे मैं पूरा पेपर सॉल्व करवा दूंगा। बाकी वीडियो को देखते रहो और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो भाई तो चैनल को जोर से आप लोग सब्सक्राइब कर लेना।